मेरा पहला मकसद है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करना। अगर आप सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाते हो तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो डॉक्टर कपूर नरवाल हैं, क्या उनका जो नामांकन है वो वापस ले लिया जाएगा? देखिए, वो जो निर्णय होगा उसके लिए हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत कराना ही मेरा लक्ष्य उद्देश्य और मेरा धर्म समझता हूँ। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं महम से निर्दलीय विधायक बलराज गुंडू, और इनसे बातचीत करेंगे। जो कल का जो माहौल रहा उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे, और आगे की जो इनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। गुंडू साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हरियाणा 36 लाइव में। जी, थैंक यू सांगवान जी। सर, कल जो है डॉक्टर कपूर नरवाल का नामांकन जो भी हुआ उसमें आपके विरोध में जो वो वोटिंग हुई उसके क्या कुछ मायने हैं? वो दो चार प्लांटेड जो है ना कांग्रेस के उसके प्रत्याशी के साथ उसके वो कार्यकर्ता थे, वो कोई खास बात नहीं। इन बातों से नाम डरने घबराने वाले हैं, और ऐसी ओछी हरकतें करना वैसे भी जो है ना लोकतंत्र में सही नहीं है। सबको अधिकार है कहीं पे जाना, किसी के साथ जाना, ये उसमें आता है। चलो, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं। लोग इस बात को समझते हैं कि इस टाइप की ओछी हरकत कौन कर सकता है और उसकी मंशा उसके पीछे क्या है, तो ये कोई खास बात। तो कुंडू साहब, जैसे अभी हम बड़ौदा से आ रहे थे तो कुछ बुजुर्ग जो है वो हमें मिले थे, वो ये बोल रहे थे कि जो है डॉक्टर कपूर नरवाल का जो नामांकन है वो वापस करवा दिया जाएगा। तो कहाँ तक है जो पॉसिबिलिटी? वो कौन बोल रहे थे? कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पे सर्वे के लिए जो बैठे हुए थे, बड़ौदा का जो मोड़ है वहाँ पे कुछ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत की हमने। वो ये बोल रहे थे, बड़ौदा के ही थे, वो ये बोल रहे थे कि जो कल तक जो है डॉक्टर कपूर नरवाला का जो नामांकन है वो वापसी करवा दिया जाएगा। तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी जो लगाई जाएगी? चलो, ऐसा अगर यहाँ के बुजुर्ग खा पंचायतें कोई इस टाइप का करती हैं तो मैं उनका उनसे बाहर जा ही नहीं सकता। मेरा पहला मकसद है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करना, और उसके लिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1% भी कोई फायदा मिले। और जो आपने बताया, अगर इस प्रकार का प्रयास, मैं तो खुद अपील करता हूं सभी से, सभी दलों से, विपक्ष के लोगों से भी और दूसरे दलों से भी, उनके नेताओं से भी, अगर वो तैयार हैं, मैं उस पहल के लिए तैयार हूँ। सारे मिलकर एक प्लेटफार्म पर, एक गठबंधन के तहत बीजेपी को अगर हराने के लिए तैयार हैं तो मेरी उसके लिए सबसे पहली मेरी पहल है, और मैं उनको उसके लिए बिल्कुल स्वागत करता हूँ। बात सर, जैसे मान लिया, बातें कहने से नहीं, ये करने से होती हैं। ऐसी उनकी मंशा नहीं है, सिर्फ वो लोग बोलते बोलते हैं। उनका तो मैच फिक्सिंग का गेम था जिसको मैंने खराब कर दिया। वो तो जिस प्रकार का डम्मी कैंडिडेट देने का कांग्रेस ने काम किया है, हमारे नेता विपक्ष और जो उनकी कांग्रेस की अध्यक्षा जी, ये उनकी उस मंशा को अच्छी तरह दर्शाता है कि कांग्रेस ने जो खेल खेल कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए डम्मी कैंडिडेट दिया है, इस बात को बड़ौदा के लोग अच्छी तरह पहचान चुके हैं, और उनकी वो मंशा अब चलेगी नहीं। अब बड़ौदा के लोग अपना पंचायती उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर बांगड़ को उन्होंने चुनाव मैदान में उतार दिया है, और वो उसको जिताकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करने वाले हैं। कुंडू साहब, जैसे आप बोल रहे हो कि जो सारी जो पार्टियां हैं जो जो सत्ता में नहीं है वो अगर एकजुट होती है तो मैं उनके साथ हूं। अगर आप सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाते हो तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो डॉक्टर कपूर नरवाल हैं, क्या उनका जो नामांकन है वो वापस ले लिया जाएगा? देखिए, वो जो निर्णय होगा उसके लिए हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। जो अगर सारे दल सारे नेता मिलकर एक फैसला एक उसकी बात करते हैं, निश्चित रूप से मैं उसके लिए तैयार हूँ, और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके हम फूल चढ़ाएंगे और एकजुटता होकर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की जमानत जब्त कराएंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत कराना ही मेरा लक्ष्य उद्देश्य और मेरा धर्म समझता हूँ आज। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि जो इंदुराज नरवाल है वो भालू है और जो डॉक्टर कपूर नरवाल है वो शेर है, लेकिन कांग्रेस को अगर जो है जो इंदुराज नरवाल है वो शेर लगे हैं तभी तो उनको टिकट जो दिया गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर कपूर नरवाल को? मैंने जो बोला है, मैंने ये बोला है कि कांग्रेस के पास जीता हुड्डा, कर्नल रोहित मोर, राजेंद्र कुंडू, सतपाल खोकर,
प्रदीप सांगवान जैसे अनेकों ऐसे मजबूत और बड़े बड़े गांवों के जो है ना टिकटार्थी थे, जिनकी अपनी एक रेपो और छवि भी थी, जिन्होंने हल्के में काम भी किया था। ये भाई इंदू राज का नाम तो कहीं उस चर्चा में ही कभी नहीं रहा, ये तो उनके साथ में एक अलग व्यक्ति बिल्कुल ही वो थे। तो वाकई में अगर हुड्डा साहब इतने सीरियस थे, डॉक्टर नरवाल भी उनके उन्होंने दो दिन तीन दिन हवा में रखा, जब ये इतने सारे लोग थे तो डॉक्टर कपूर नरवाल को मैं मानता हूँ, चलो कोई विरोध रहा हो, उनको वो टिकट नहीं दिला पाए, या तो उनकी चलती नहीं है तो अनऑफिशियली वो आशीर्वाद देना पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। अगर वाकई में ही वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो राजनीति पार्टीबाज की राजनीति से बाहर निकल कर वो अंदर खाते सपोर्ट करें डॉक्टर नरवाल का, क्योंकि कल सुबह तक उनके उम्मीदवार थे तो खराब कैसे हो सकते हैं। और नहीं तो उनको ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए था जो डॉक्टर कपूर के बराबर का, ऐसा होता तो शायद डॉक्टर कपूर को ये भरने की नौबत नहीं आती, वो नहीं चुनाव लड़ते। जब उन्होंने देखा जिस प्रकार से एक डम्मी कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया है, उसके बाद फिर हमारे को सोचना पड़ा, हमने सबने बात करके, ये तो फिक्सिंग मैच हो गया, एक तरफा जो है ना बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद हमने निर्णय लेकर ये चुनाव लड़ने की तैयारी की। जी कुंडू साहब, एक लगातार जो है सोशल मीडिया पे भी एक जो लेटर है वो वायरल हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इंदुराज नरवाल थे उनकी जो टिकट है वो 14 तारीख को ही फाइनल की जा चुकी थी, तो क्या डॉक्टर कपूर नरवाल जी है उनका उनके साथ एक भद्दा मजाक जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया? इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ एक मजाक और जिस प्रकार से उनकी पॉलिटिकल हत्या करने का काम किया और उनको रोकने का काम किया, कल सुबह 10 बजे तक उनको गोलीबाजी दे रखी, अभी बैठ रही है बैठक दोबारा कर चुकी है। ये सब उस बात को कि चुनाव ना लड़ लें उसी का एक हिस्सा था, वो मैं फिक्सिंग जो पॉलिटिक्स थी उसका एक पार्ट था ये। तो ये थे हमारे साथ जो महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिनसे हमने जो अभी बातचीत की है, इनका बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर कपूर नरवाल हैं वो 101% जो है वो यहाँ से जीत अपनी दर्ज करेंगे। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, गोहाना, बड़ौदा। बड़ौदा उपचुनाव की पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।